आ जाए। चलें जी चलें जी चलें क्रिकेट खेलें। ओके 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 यार छक्का ना मारना यार प्लीज। सामा मुझे मत मार दीजिएगा। वेट वेट सबर। सामा बहुत एक्शन में है। हे गाइस अस्सलामुअलैकुम, वी आर हियर विद अ कास्ट ऑफ नायाब एंड हमने सोचा एक स्ट्रीट क्रिकेट का थोड़ा सा गेम करते हैं फुल नायाब स्टाइल में। इन्होंने सोचा और हमने इनसे एग्री किया। एग्री किया बट मैंने कहा कि यमुना मैं आपको जूते आप चेंज करेंगी अब लुक एट हर हील्स लाइक नो सो वी आर गोना सी हर प्लेइंग इन दीस हील्स आई एम सो इंप्रेस्ड एंड उसामा वहाँ फुल स्टाइल यार ये क्रीज साफ करें यार ये क्रीज उन्होंने उन्होंने कहा क्रीज साफ करें आप पिच क्लीन करें फवाद इज हियर यू नो सो लेट्स स्टार्ट हु इज प्लेइंग फर्स्ट अक्का एंड लेट्स स्टार्ट विद अक्का एंड उसामा ठीक है हम क्या फील्डिंग करें हम फील्डिंग करते हैं हम फील्डिंग करें उसामा वाइड बॉल व्हाट वाज दैट क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई आप बॉलिंग करें मैं कर लेता हूं बॉलिंग मैं फील्डिंग करता हूं करें करें बैटिंग करें यार रावे इट्स अ वेरी गुड आइडिया यमुना यू गोना टीच मी फ्यू थिंग्स नाउ ओके सही है गुड बॉल नहीं इट वाजंट अ गुड बॉल जब तक मेरा शॉट नहीं लगेगा बॉल गुड नहीं होगी सही है सही सही यार आप तो वो मूवी में प्रैक्टिस जो करवाते हैं पूरी 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 फास्ट बॉल मार रहे हैं गेट सम टीम टू प्ले विद यू ठीक है ठीक है फ्यूचर टू प्ले विद यू यमुना आपको नजर आ रहा है चश्मा हां नजर आ रहा है चश्मा यार देखो कूल लगना चाहिए शॉट तो कोई भी लग जाता है भाई ये पिच छोटी कर दी है बॉलर ने यमुना लेट्स सी इफ ही कैन शॉट लगाते हैं चले सुनो मेरा चश्मा वासित पकड़ो जरा बॉल दिखनी चाहिए ओह अब सीरियस हो गई है यमुना ये आखिर पे लगा देना आखिर पे नहीं प्लीज ये बिल्कुल आखिर पे नहीं लगना चाहिए ओ यार ये दरख्त सही नहीं है वैसे ओ में मुझे कुछ नहीं आता आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड टू बी दिस ए क्लास क्रिकेटर सुने फिर तो एक बॉल मैं भी कराती हूँ चलो 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 I'm ready for the catch. Very good. Ravya, good boy. चले अब दो आउट हो जाऊंगा मैं यार क्या बात है राबिया नॉट बैड हाँ वहां जाते जाते अब यहाँ आना शुरू हो गई है एटलीस्ट थोड़ी सी तो बेहतर हुई या, या। राबिया बोल्ड करना है आउट 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 यमुना ये बॉलिंग जो है ना एक तो मार दूं जैसी अच्छा चले एक एक अच्छी सी बॉल कराते हैं एक मेरे लेवल की बॉल यार ऐसे फेंक दें हाँ उसामा ठीक है अरे नहीं मेरा मतलब है ठीक है उसामा कैच ड्रॉप एक्सीलेंट
ये नई टीम में जगह बन सकती है, बन सकती है ना, बिल्कुल। या या। अब हम कामरान अकमल से रिप्लेस करेंगे। यू आर मेकिंग मी फील रियली गुड दैट आई एम रियली गुड। बस ये लास्ट गोल, ठीक है, छक्का लगा दे राव्या। अरे तीन कैच मिस हो गए राव्या, मैंने इतने मजे से ठा के दिया था कि कैच आराम से हो जाए। अमेजिंग जी, चले डन, चले, थैंक यू गाइस, गुड जॉब, गुड जॉब एवरीवन। चलें जी, जो गुनगुना क्या रही हैं आप? I'll be alright, too happy ज़िंदगी। फ्रेंड्स का है ना गाना, फ्रेंड्स का है। या या। एक तरफ है सारी दुनिया, एक तरफ है तू। अच्छा ये डांटते बहुत हैं आप, क्या रही थी? सेट पे भी डांट रहे थे आपको ये? नहीं नहीं नहीं। He's the sweetest person and a great actor, but जो मेरा कैरेक्टर ऐसा है, he's a coach and a brother, so वो ये डांटते ही रहते हैं कि तुम ही गलत कर रही हो। Okay, okay. So yeah, it's that. But आप दोनों की जो chemistry है ना, sister and brother on screen is on point. It's like so good कि वो फील होता है कि हाँ ये वाकई सिबलिंग्स हैं, वो लड़ भी ऐसे रहे हैं, वो हक भी वैसे जमा रही है, यू नो, वो कहती है कि तो कौन सा एहसान कर दिया मुझे आप सिखा रहे थे। तो डिड यू गाइस हैव सम प्रैक्टिस सेशंस, कुछ रिहर्सल्स हुई थी, कुछ एक साथ टाइम गुजारा, या हाउ डू यू, या बस ये एक्टिंग का प्रोसेस है जब सामने आते हैं स्क्रीन पे तो इट स्टार्ट्स, इज देयर एनीथिंग दैट यू गाइस कैन शेयर? रिहर्सल्स हुई थी, रीडिंग सेशंस हुए थे, साथ में गए भी थे हम टैंगो के पास, एक बार मैं आया था ना, रिमेम्बर? जब इनकी भी सेशन होना था वगैरह वगैरह। हाँ हाँ हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है ये थिएटर एक्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन थिएटर एक्टर हैं हमारे पाकिस्तान के, और हम लोग के शुरू में रीडिंग सेशन हुए तो ये तो फ्रॉम द डे फर्स्ट ही वॉज इन कैरेक्टर, ऐसा लगता था जैसे असल में कुछ बोल रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत आसान था इनके साथ कैच करना, केमिस्ट्री बनाना, और आई वॉज सो कम्फर्टेबल वर्किंग विद हिम, और बड़ा रिलाय करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये नायाब का और अक्का का। तो मुझे लगता है ओवरऑल शूट पे जो इन्वायरमेंट था ना वो बहुत सबके लिए पॉजिटिव था, एंड फ्रॉम हर साइड बीइंग अ स्टार शी वॉज ऑल वेरी नॉट अ स्टार ऑन द सेट, वेरी मच देयर विद एवरीवन, डाउन टू अर्थ। सामा आपको कैसा लग रहा है बींग द आई कैंडी इन द फिल्म दिस टाइम? यूजुअली होता है कि हम लड़कियों को लेकर आते हैं रोमांटिक एलिमेंट डालने के लिए या कुछ करने के लिए, फॉर अ चेंज हम एक रिवर्सल देख रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? वो देखेंगे तो पता लगेगा, मैंने सिर्फ डबिंग के टाइम पे देखा था, अभी वैसे ही देखा, लेकिन इट वाज गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जब आया, तो जब आपने देखा कैरेक्टर, तो व्हाट वर द रीजंस दैट यू सेड यस? सबसे पहले तो मैंने स्क्रिप्ट ही पूछा था, उन्होंने कहा आ जाए डिस्कस कर लेते हैं, तो द मेन रीज़न वाज मैं ओपनली कहता हूँ यमुना, ओके, हाउ नाइस, हाँ, और दूसरा स्टोरी एक स्टोरी बहुत अच्छी है, वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्टोरीज बननी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो एक एक जर्नी के पीछे जो पिलर्स होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मूवी में दिखाए गए, और एक लड़की मेहनत कर रही है तो उसको इमोशनली या किस फाइनेंशियली क्या क्या सपोर्ट है पीछे, तो वो बताया गया इसमें, बहुत रियलिस्टिक है। यमुना, यू वेंट थ्रू एक्सट्रीम ट्रेनिंग, जो मेरी आपकी ऑन एंड ऑफ बात भी होती रहती थी। यमुना आके ना सेट पे दिखाती थी, मैंने ऐसे बॉल करना सिखा, ये मैं बॉल कर, हाँ, ओसामा ये करके दिखाओ बॉल यार, मैंने कहा इतनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे, बट ये कि वेंट थ्रू एक्सट्रीम फॉर मी, इट वाज एक्सट्रीम, आई वुड यूज दिस वर्ड बिकॉज मैं को बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस की तरफ नहीं हूँ, और ये जो स्पोर्ट है ये बहुत चैलेंज मांगती है, आपकी बॉडी बैलेंस, डाइट बैलेंस, मेंटल पीस बैलेंस, स्लीप बैलेंस, तो वो दो महीने की जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारा जो है ना रिस्पेक्ट गेन हुआ फॉर माय फीमेल क्रिकेटर्स, फॉर माय क्योंकि एंड मेल क्रिकेटर्स, क्योंकि हम जब बिल्कुल स्ट्रगल से शुरू करते हैं ना, तो ये जो गली क्रिकेट खेल के पैशन है पाकिस्तान में, तो उन लड़के लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बहुत से तो कुछ बहुत अच्छी फैमिली से भी होते हैं, कुछ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपनी डाइट को उतना परफेक्ट रख सकें कि वो उतना तेज़ भाग सकें, अपनी एनर्जी मेंटेन कर सकें। लड़कियों के लिए बाइक पे आना, स्कूटर पे आना, बसों पे आना, ये पूरा कुछ, तो क्रिकेटर से बात हुई थी, वो पूरा दिन एक मील लेती थी
बिकॉज ऑफ लेस रिसोर्सेज. सो उसके बावजूद भी आप इतना सब कुछ करके कहीं पहुंच रहे हो, अपने ड्रीम्स को कैच कर रहे हो, तो